दोस्तों अगर लास्ट ईयर तक की बात करूं मैं तो AMD के पास में ताज था हमारे बजट प्रोसेसर का, बजट गेमिंग किंग का। लेकिन दोस्तों इंटेल ने जब से अपनी 12th जनरेशन के प्रोसेसर लॉन्च करे हैं तब से इंटेल के पास आ चुका है बजट किंग का ताज। क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्रोसेसर है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, इंटेल कोर i3-12100F प्रोसेसर, ये हमारा न्यू बजट किंग प्रेजेंटली। अब आप लोग कहोगे कि न्यू बजट किंग क्यों है, ये तो 4 कोर और 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है खाली, और 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर तो इंटेल कोर i3-10100F भी है जो कि इंटेल का ही प्रोसेसर है 10 जनरेशन का, तो वो भी मतलब जो है अच्छे खासे कम बजट के अंदर अवेलेबल है लगभग 7,500 रुपये में, और वो भी ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस में आता है जिन स्पेसिफिकेशन में हमारा 12100F आता है। दोस्तों अगर आप नॉर्मली अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन को खाली देखोगे नंबर वाइज तो उसमें आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स दोनों में देखने को मिलेंगे, आपको 10 जनरेशन वाले i3 में भी और 12 जनरेशन वाले i3 में भी, और बूस्ट और कोर क्लॉक्स में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो इंटेल ने चेंज किया है 12 जनरेशन के प्रोसेसर्स के अंदर, वो चेंज करा है इंटेल ने अपना आर्किटेक्चर। यानी कि दोस्तों न्यू जो आर्किटेक्चर है इंटेल का, एल्डर लेक जो सीरीज है इंटेल की 12 जनरेशन की, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है इंटेल ने। ये जो न्यू सीरीज है एल्डर लेक इंटेल की, ये है 10nmq पर बेस्ड, और इसी आर्किटेक्चर चेंज की वजह से इंटेल के जो प्रोसेसर है, इवन जो i3 प्रोसेसर है हमारा लाइक 12100F, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल करके देता है, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। मतलब आज से अगर मैं कुछ सालों पहले की बात करूं, 5-6 साल पहले की, तो मतलब i3 प्रोसेसर के ऊपर एक हाई लेवल की गेमिंग करना मतलब इम्पॉसिबल सी चीज थी। i3 पर प्रोसेसर थे मोस्टली जो है बस एक बेसिक जनरल वर्क्स के लिए यूज होते थे, पीसी बिल्ड्स में जिनमें भी यूज होते थे। नॉर्मल आपको एक फोटोशॉप वगैरह यूज करना हो, या एक बेसिक लेवल की बहुत ही हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी हो, या जनरल टास्क वगैरह हो गए प्रोग्रामिंग के, MS Office वगैरह के, तो उन बेसिक्स कामों के लिए जो है i3 का यूज होता था। और इवन i3 के अलावा भी i5 और i7 के जो प्रोसेसर थे हमारे 4-5 साल पुराने जो थे, तो वो भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे जितना कि हमें आज का करंट 12 जनरेशन का i3 देखने को मिल रहा है। तो पुराने वाले तो खैर 2 कोर 4 थ्रेड्स या 2 कोर 2 थ्रेड्स में देखने को मिलते थे i3, लेकिन प्रेजेंटली जो हमारा i3 है 12 जनरेशन का, वो 4 कोर 8 थ्रेड्स का है। अब 10 जनरेशन वाला भी है, लेकिन जो सबसे तगड़ा इंप्रूवमेंट किया है इंटेल ने वो किया है इसके में आर्किटेक्चर का। जनरल स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं इंटेल कोर i3-12100F की, तो इसके अंदर हमें मिलती है 4 कोर और 8 थ्रेड्स, बेस क्लॉक मिलती है 3.3 GHz की, और बूस्ट मिलती है इसके अंदर हमें 4.3 GHz की, 12MB की इसके अंदर हमें L3 कैश मिलती है, और बेस पावर जो कंजम्पशन मिलता है इस प्रोसेसर का वो मिलता है 59 वॉट्स का, और मैक्सिमम TDP जो लेता है ये प्रोसेसर वो लेता है 89 वॉट्स तक की। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेसर जो है पावरफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है, यानी कि अपनी फुल परफॉर्मेंस के अंदर ये मैक्सिमम 89 वॉट्स यानी कि राउंड फिगर में 90 वॉट्स लेता है। अब दोस्तों ये जो प्रोसेसर है करेंटली जो है लगभग 9,500 रुपए का अवेलेबल है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मार्केट में। अब ये अगर मैं कहूँ i3 जो 10 जनरेशन है हमारा 10100 है उसके कंपेरिजन में लगभग 2,000 रुपए ज्यादा है, क्योंकि वो हमें अराउंड 7,500 रुपए का मिल जाता है। लेकिन दोस्तों 2,000 रुपए ज्यादा के अंदर ये जो हमें परफॉर्मेंस निकाल के देखता है ना, वो बहुत अच्छी निकाल के देखता है, यानी कि अपने 9,500 रुपए के प्राइस बजट में ये बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर बनता है। अब क्यों, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कुछ बेंचमार्क्स। और दोस्तों ये जो बेंचमार्क हैं ये रिलायबल सोर्स से लिए गए हैं, और इसके अंदर i3-12100F को i3-10100F और हमारा Ryzen 3 3100 दोनों के साथ ही कंपेयर करके दिखाया है। तो सबसे पहला दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि Cinebench R23 का मल्टी कोर टेस्ट है, तो मल्टी कोर के अंदर i3-12100F ने 8213 का स्कोर दिया है, और i3-10100F का स्कोर है 5542, और Ryzen 3 3100 का स्कोर है 5830। तो i3-10100F और Ryzen 3 3100 का स्कोर करीब करीब है, लेकिन आप देख सकते हैं 12100F का स्कोर काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू बोथ ऑफ दीज प्रोसेसर्स। इसके बाद Cinebench में ही सिंगल कोर टेस्ट में अगर आप देखें तो i3-10100F का जो वो है स्कोर वो है 1092, R3 3100 का जो स्कोर है वो है 1137, और हमारे i3-12100F प्रोसेसर का जो स्कोर है वो है 1678। तो ये स्कोर भी इन दोनों प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हमारा जो ये Fitech एक्सट्रीम फिजिक्स स्कोर है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो हमारा i3-12100F का स्कोर है वो दोनों ही प्रोसेसर से ज़्यादा है, 16,670 का स्कोर दिया है हमारे 12100F ने, वहीं i3-10100F ने 12,892 का, और Ryzen 3 3100 ने 13,314 का स्कोर दिया है। इसके बाद अगर हम Adobe Premiere Pro का रेंडरिंग टेस्ट देखें,
4K वीडियो आउटपुट के अंदर 40 MB बिटरेट की वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हैं 12100F ने जो टाइम लिया है वो लिया है 3591 seconds, और 10100F ने लिया है 5048 seconds, और Ryzen 3310 ने लिया है 5012 seconds। यहाँ पे भी 12100F की स्कोरिंग जो है वो बेटर है, रेंडरिंग टाइम जो है बेटर है दोनों ही प्रोसेसर से। तो दोस्तों ये तो थे कुछ नंबरिंग, एक जनरल स्कोरिंग जो होती है हमारे बेंचमार्क्स की। अब प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कितने FPS हमें बेटर मिलते हैं हमारे i3-12100F प्रोसेसर के अंदर। और दोस्तों बेंचमार्किंग के अंदर इन तीनों ही प्रोसेसर्स के साथ में हमारे AMD का 6900XT ग्राफिक्स कार्ड यूज किया गया है, जो कि एक हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड है। दोस्तों पहला गेम जैसे कि आप देख सकते हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 है, जो कि खेला गया 1080p हाई सेटिंग्स के ऊपर। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे i3-12100F प्रोसेसर ने 120 FPS जो दी है एवरेज, और हमारे बाकी i3-10100F ने 109 दिए हैं, और हमारे R33-3100 ने 10 FPS दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है i3-12100F की। इसके बाद दोस्तों हमारा जो Apex Legend गेम है, इसे खेला गया 1080p की मीडियम सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ पे जो हमें FPS दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं 12100F के अंदर। आप देख सकते हैं 170 FPS मिल रहे हैं एवरेज देखने को, और हमारे 10100F में 129 FPS मिल रहे हैं, और हमारे Ryzen 3-3100 में 131 FPS एवरेज देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट गेम है Horizon Zero Dawn, इसे खेला गया 1080p लो सेटिंग्स के ऊपर करके, और लो सेटिंग्स के अंदर इसके अंदर हमें जो FPS देखने को मिल रहे हैं एवरेज, वो मिल रहे हैं i3-12100F में 138 FPS, वहीं i3-10100F में मिल रहे हैं हमें 109 FPS, और Ryzen 3-3100 के अंदर हमें मिल रहे हैं 107 FPS। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें 12100F प्रोसेसर के FPS के अंदर इन कंपैरिजन टू बोथ अदर प्रोसेसर्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है Fortnite चैप्टर 3, जिसे खेला गया 1080p लो सेटिंग्स के अंदर, और इस गेम के अंदर भी हमें आप देख सकते हैं 12100F में काफ़ी ज़्यादा FPS देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू बोथ अदर प्रोसेसर्स। 12100F दे रहा है हमें 239 FPS, वहीं अदर जो दो प्रोसेसर्स हैं हमारे i3-10100F वो दे रहा है 185 FPS, और Ryzen 3-3100 दे रहा है 186 एवरेज FPS। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छे खासे ज़्यादा FPS हमें निकाल के दे रहा है 12100F विद 6900XT GPU। दोस्तों ये थे कुछ कंपैरिजन बेंचमार्क जो कि आपने देखे, जहाँ पे हमारा 12100F काफ़ी ज़्यादा FPS निकाल करके दे रहा है हमें इन गेम्स के अंदर। अब मैं कुछ और आपको बेंचमार्क दिखाता हूँ, जहाँ पे i3-12100F को पेयर किया गया है हमारे NVIDIA के RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड के साथ में। अब यहाँ पे दोनों अदर प्रोसेसर से कंपेयर करके दिन दिखाया है, लेकिन सिर्फ हमें i3-12100F के जो है FPS दिखाए गए RTX 3060 के साथ में, जहाँ पे आप देख सकते हैं Forza Horizon जैसे गेम में जो कि खेला गया है 1080p एक्सट्रीम सेटिंग्स के ऊपर, वहाँ पे हमें एवरेज FPS देखने को मिल रहे हैं 79 FPS इस प्रोसेसर के साथ में RTX 3060 के साथ में। वहीं हमारा जो सेकंड गेम है गॉड ऑफ वार, जो कि अभी रिसेंटली PCs के लिए लॉन्च हुआ था, जो कि खेला गया है 1080p की अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर, वहाँ पे हमें इस गेम के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं एवरेज FPS 71, जो कि बहुत ही डिसेंट स्कोर है अल्ट्रा 1080p की अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट गेम है हमारा PUBG PC, इसके अंदर 1080p वेरी लो सेटिंग्स के अंदर हमें जो एवरेज FPS देखने को मिल रहे हैं वो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, 323 FPS देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो है वेरी लो सेटिंग्स हैं, लेकिन अगर हम हाई सेटिंग्स भी करते हैं तो ऑब्वियसली हमें 100 FPS से ज़्यादा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वहीं हमारा मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट डिमांडेड गेम GTA 5, तो GTA 5 खेला गया है 1080p वेरी हाई सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ पे हमें वेरी हाई सेटिंग्स में 1080p के ऊपर मिल रहे हैं एवरेज 139 FPS, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट स्कोर है। इसके बाद हमारा जो गेम है वैलोरेंट, जो कि एक CPU इंटेंसिव गेम है, तो इस गेम के अंदर दोस्तों हमें 1080p लो सेटिंग्स के अंदर एवरेज FPS मिल रहे हैं 267, जो कि बहुत ही अच्छे FPS हैं, और अगर इसको हाई पे हम खेलेंगे हाई सेटिंग्स के ऊपर गेम पे, तो आराम से हमें 150 FPS, तो बहुत ही आराम से 150 से ज़्यादा FPS हमें देखने को इस गेम के अंदर मिलेंगे। इसके बाद हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट गेम है वो है हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। अब इसे खेला गया है 1080p हाई सेटिंग्स के अंदर, और ये भी एक अच्छा खासा हैवी गेम है, और इस गेम के अंदर हमें जो एवरेज FPS मिल रहे हैं 1080p हाई सेटिंग्स के अंदर, वो मिल रहे हैं हमें 121 FPS, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, 100 से ऊपर हमें FPS मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 121 FPS, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन में। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट गेम है एपेक्स लेजेंड्स, इसे खेला गया है 1080p लो सेटिंग्स के ऊपर करके, और इसके अंदर हमें एवरेज FPS मिल रहे हैं लो सेटिंग्स के ऊपर करके 144 FPS, जो कि डिसेंट स्कोर है, यानी कि हाई सेटिंग्स के अंदर हमें इस गेम के अंदर आराम से 90-100 FPS, या हो सकता है 100 से भी ज़्यादा FPS देखने को ईजिली मिल जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि RTX 3060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ में और 6900XT ग्राफिक्स कार्ड के साथ में कितने अच्छे, कितने डिसेंट FPS देखने को मिल रहे हैं। अब 6900XT जो होता है एक हाई ग्राफिक्स कार्ड था,
लेकिन 3060 अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड कहूँ तो एक ये मिड लेवल का ग्राफिक्स कार्ड है 1080p गेमिंग के लिए। तो RTX 3060 के साथ में पेयर होके हमें बहुत ही ज़बरदस्त FPS देखने को मिल रहे हैं हमारे 12100F प्रोसेसर के साथ में। दोस्तों इन FPS को देखने के बाद में मैं कहूँगा कि आप इस 12100F के साथ में RTX 3070 Ti जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ में भी पेयर करके आराम से 2K लेवल की गेमिंग भी आप कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आपको 2K लेवल की गेमिंग भी करनी हो i3 12100F प्रोसेसर के साथ में। हालांकि मैं कहूँगा बेस्ट एक्सपीरियंस पाने के लिए i5 12400F प्रोसेसर के साथ में जाएं आप अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए 2K गेमिंग का। लेकिन अगर आपका बजट उतना नहीं है जहाँ पे आप i5 12 जनरेशन के लिए जा पाओ तो आप i3 से भी काम चला सकते हो 2K गेमिंग करने के लिए, मतलब ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, कोई परेशानी नहीं करेगा 2K गेमिंग करने में भी। इसलिए मैंने पूरी बात बता दी। अब जिसमें से आप लोग बहुत सारे कमेंट करके कहो कि भैया i3 कैसे बता दिया 2K गेमिंग के लिए, तो इन सारे FPS को मद्देनजर रखते हुए जो कि आपने देख लिए मैं बता रहा हूँ कि करी जा सकती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि रिकमेंडेड i3 वाले प्रोसेसर लो, रिकमेंडेड कम से कम i5 लो 2K गेमिंग के लिए, लेकिन i3 के साथ में इस 12 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आप कर सकते हो 2K गेमिंग भी। सो गाइस प्रेजेंटली 9500 रुपये के प्राइस बजट में ओवरऑल ये जो प्रोसेसर है बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, और इस वक्त मार्केट के अंदर मैं कहूँगा ये बजट गेमिंग गिंग है जो कि आपने देख लिया। हाँ अभी जो है राइजन के भी प्रोसेसर डिबट करने वाले हैं हमारे, जो कि आपको पता होगा जिसकी पर मैंने वीडियो ये वाली डाली थी, तो ये वाले प्रोसेसर भी हमारे आने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ये वाले प्रोसेसर आएंगे और ओवरऑल ये प्रैक्टिकली कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे हमें, और ये इंटेल को जो बजट किंग का ताज मिला है ये इंटेल के सर पर रहेगा या वापस से फिर से AMD के राइजन प्रोसेसर के सर पर चला जाएगा। तो भैया हमारे जो नए प्रोसेसर्स मार्केट में आ जाएंगे टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी तो उसी के बाद में पता चलेगा कि क्या सिनेरियो रहता है, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट मार्केट के अंदर हमारा i3 12100F इज द न्यू बजट गेमिंग किंग। सो वेल गाइस वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक करो, बैठे हुए क्या है, जल्दी से लाइक करो वीडियो को, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हुआ आप में से जो भी देख रहे हो पहली बार हमारी वीडियो और इंटरेस्ट रखते हो अपना PC वेल लैपटॉप्स गेम्स रिलेटेड कंटेंट में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड ऑसम वीडियो अपने चैनल के ऊपर लेकर के आता रहता हूँ। सो गाइस वीडियो को ही एंड करेंगे और मिलता हूँ जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप बूमिंग विद मी।